हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं और हमने आपके लिए दो सेट्स करा चुके हैं जिनमें आपके हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो दोस्तों आप उनको देखिए जाके, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसद का उच्च सदन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद या डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमने आपको कल बताया था भारत में कितने दो सदन हैं, ठीक है, दो सदन है लोकसभा राज्यसभा, और इनमें से आपका संसद का उच्च सदन कौन सा है। ठीक, संसद का उच्च सदन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, हमारा उच्च सदन है। ठीक है, उच्च सदन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड है, संसद का निम्न सदन। देखिए, अभी उच्च सदन कौन सा था आपका, राज्यसभा, तो निम्न सदन कौन सा है आपका, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा आपका निम्न सदन हो जाएगा। और दोस्तों, जो आपका विधान परिषद है, विधान परिषद क्या है, ये आपका राज्य विधानमंडल का उच्च और स्थायी सदन है। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल का क्या है, उच्च और स्थायी सदन है, उच्च और स्थायी सदन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारी इमरजेंसी पावर होती है आपका, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ जो है इसके किस देश के संविधान से लिया गया, इसे आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ए रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी में से कोई नहीं। तो उसने इसे कहाँ से लिया गया है आपका, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर है, जापान की संसद का नाम क्या है। जापान की संसद का नाम है ए लाइट, बी कैंट, सी डाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर दोस्तों संसद का नाम क्या है आपका, फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, डाइट। ठीक है, डाइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, ए 25, बी 30, सी 22 या फिर डी 33। तो देखिए, कितने अध्याय आपके, कितने पार्ट हैं इसके। तो आपके भाग दोस्तों, जब ये निर्माण हुआ था उस टाइम आपको मूल संविधान में उस टाइम का कितने थे, 22। फाइव का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान की बात करूँ तो इसमें इस टाइम कितने, 25। ठीक है, वर्तमान अगर लिख के आएगा तो 25, और वैसे आपका क्या है, 22 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी आप आंसर दें कि 22 है या 25 है। जो भी क्वेश्चन है ध्यान रखें कि वर्तमान में पूछ रहा है या फिर मूल रूप से पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा तो आप मूल रूप वाला ही बताएंगे। चलिए, भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें क्या भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। और तो हमारे संविधान में कितने दिनों में तैयार हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका कब, 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 मंथ और क्या, 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, ए केंद्रों का संघ, बी राज्यों का संघ, सी नेताओं का संघ या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सेवन्थ का बी सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आपके क्या आते रहते हैं, बार बार चेंज हो के, तो आपने ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चंस क्या है, कुछ मतलब घुमा फिरा के भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, ए आर्टिकल 10, बी आर्टिकल 12, सी आर्टिकल 19 या आपका डी आर्टिकल 25। तो आपका दोस्तों आठवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता की बात इसमें बताई गई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से किस एक के अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि सदस्य नहीं होता है, जो कि उसका सदस्य नहीं होता है, इनकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है, ए लोकसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यसभा, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो क्या है, इनके सदस्य नहीं होते हैं। कौन होता है अगर मैं इसके बारे में आपके बता दूँ, जो हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो उस टाइम उपराष्ट्रपति होते हैं भाई, इसके क्या है, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है भाई, इसके अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों, अगर मैं इसके जो राज्यसभा है, राज्यसभा के उपसभापति की बात करूं, तो भाई दोस्तों कौन होते हैं आपके, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य, कोई सदस्य होता है वही होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, और लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होते हैं, जो मतलब हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका कितना, 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का स्पीकर या फिर डी राज्यपाल।
तो इसमें दोस्तों जिसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में हमारा क्या है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 62, या सी आर्टिकल 53, या डी आपका आर्टिकल 70। तो उसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में क्या है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में क्या धन विधेयक के बारे में बताया गया। ठीक है, धन विधेयक के बारे में बताया गया। ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 119, या डी आपका अनुच्छेद 138। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों थर्टीन है, किसी भी राज्य के जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। ए राष्ट्रपति, बी उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, या डी आपका उपराष्ट्रपति, या फिर सी उपराष्ट्रपति, या डी प्रधानमंत्री। तो देखिए जो हमारे राज्य के गवर्नर होते हैं उन्हें उसमें शपथ कौन दिलाता है, इसमें थर्ड का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वही हमारे उस राज्य के गवर्नर को शपथ दिलाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, या फिर डी आपका इटली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा से हमारा संघ शब्द जो है लिया गया है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 17 किस चीज़ से संबंधित है। ए भाषा से, बी सेना और शिक्षा से, या सी छुआछूत से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल आपका 17 है वह आपका किससे संबंधित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किससे छुआछूत से संबंधित है आपका। किससे दोस्तों छुआछूत से संबंधित है, और उसमें छुआछूत से आपको क्या जो छुआछूत वर्ड है इसे आपको अपरिचितता भी कहते हैं। ठीक है, अपरिचितता भी कहते हैं। तो आर्टिकल 17 में हमारा बताया गया छुआछूत है उसको प्रबंधित किया गया है। ठीक है, उसको प्रबंधित किया गया है। चलिए दोस्तों यह आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, यह आपकी आंसर शीट है, और आप इसमें प्रैक्टिस सेट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे टारगेट एंट्रेंस एग्जाम जो चैनल है आपका इसको आप सब्सक्राइब करें। आपके साथ के जितने भी दोस्त हैं आप उन्हें बताइए दोस्तों हम यहाँ पर आपका क्या डेली GK का प्रैक्टिस सेट्स भी हम आपको डेली करा रहे हैं। ठीक है, डेली करा रहे हैं, तो वो भी आप करते रहिए। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।